गुड इवनिंग ऑल, वेरी गुड इवनिंग टॉल। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज हम डिस्कस करेंगे इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी एंड डीबीटी में इम्यूनोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आज बुलेट पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे प्लस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस के साथ बुलेट पॉइंट्स को हम डिस्कस करें। सो वेरी गुड इवनिंग टॉल, कैसे आप सब लोग। एंड आज हम डिस्कस करें डीबीटी बेट 2024 के लिए टारगेट, जो इम्यूनोलॉजी टॉपिक है एंड इम्यूनोलॉजी टॉपिक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो आज का सेशन बहुत मज़ेदार, बहुत धमाकेदार एंड वंडरफुल होने वाला है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इन सब को डिस्कस करेंगे। एंड कैसी रही आपकी होली एंड बहुत सारा एंजॉयमेंट किया होगा आपने। यस, तो आज हम डिस्कस करते हैं आज का हमारा न्यू सेशन डीबीटी के लिए इम्यूनोलॉजी का। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। स्टार्ट करें आज का हमारा सेशन। आ गए सब लोग? यस, तो हैप्पी होली सबको। और आज का जो सेशन है, इस सेशन के सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन करके लेना एंड डीबीटी में इम्यूनोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस आते हैं, अराउंड 15 से 20 तक जो क्वेश्चंस होते हैं वो इम्यूनोलॉजी सेशन से आते हैं। और इम्यूनोलॉजी सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है एंड बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इम्यूनोलॉजी से, बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस आते हैं। तो एंड कुछ जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। ओवरऑल अगर डीबीटी पेपर्स को आपने एनालाइज किया, जैसे हमने मैंने एनालाइज किया डीबीटी के पेपर्स को, क्वेश्चंस पैटर्न्स को देखा, क्वेश्चंस को किस टॉपिक के क्वेश्चन ज़्यादा है वो देखे, तो ये समझ में आया कि ओवरऑल इम्यूनोलॉजी से बहुत सारे टॉपिक्स, एमएचसी मॉलिक्यूल्स, टी सेल्स, मेडिटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिटेड इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज एज वेल एज इम्यूनो डेफिशिएंसी, ये सब पॉइंट्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, हाँ, पूरा डिस्कस करेंगे आज, डाइवर्सिटी को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते आज का हमारा सेशन। यस, सो स्टार्ट करें। यस, सो सबसे फर्स्ट तो देखिए, एम्पावर योर जर्नी टुवर्ड सक्सेस, डीबीटी का एग्जाम पास में आ रहा है। 20 अप्रैल को डीबीटी का एग्जाम है एंड आई होप कि आप सब लोगों की रिवीजन बहुत अच्छे से चल रही है, आप बहुत अच्छे से सभी टॉपिक को रिवाइज कर रहे होंगे, आप सभी जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी देख रहे होंगे। मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस टाइम पे, कि आप डीबीटी के क्वेश्चंस को एक बार देख लेना, सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस एक बार देख लेना, उन क्वेश्चंस के जो भी मतलब टॉपिक्स है उनको एक बार देख लेना एंड उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। एंड दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, आपके पास जो नोट्स होंगे उन नोट्स को रिवाइज करना प्रॉपरली, क्योंकि आपको दो पार्ट में क्वेश्चन पेपर देने, तो पार्ट वन में आपको 50 में से 35 को क्वेश्चन टारगेट करने पड़ेंगे एंड पार्ट बी में आपको 50 में से 50 क्वेश्चंस को टारगेट करना पड़ेगा। पार्ट बी आपका स्ट्रांग पॉइंट है, इसलिए अगर आपने डीबीटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, अगर आपने डीबीटी के सारे मतलब टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा, तो मैं आपको 100% जो है वो गारंटी देता हूं कि आप 220 मार्क्स से नीचे नहीं आओगे। ओके, क्योंकि हमारा एम वो है कि आपका जेआरएप, ये हमारा एम है, हमारा गोल वही है। तो इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, जहां पे भी हेल्प लगे हेल्प मांगिए, जहां पे भी प्रॉब्लम आता हो तो डाउट्स पूछिए। ओके, ये सेशन आपके लिए, इन सेशन का बेनिफिट लीजिए, आपका जेआरएप ही हमारा फाइनल अल्टीमेट गोल है। ओके, सो स्टार्ट करें आज का सेशन। तो आज हम डिस्कस करें डीबीटी वेट के लिए इम्यूनोलॉजी टॉपिक। सो देखिए, डीबीटी वेट का जो कोर्स है, एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है एंड एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। इवन आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट की सीरीज भी आ रही है डीबीटी के लिए, तो आप जो भी मॉक टेस्ट की सीरीज है जल्दी आ जाएगी, तो मॉक टेस्ट को आप जरूर देना एंड देन आप मॉक टेस्ट से ही आपका बहुत सारा रिविजन हो जाएगा, एक आपको बूस्ट मिल जाएगा डीबीटी के लिए। तो मॉक टेस्ट अगर आप दोगे तो आपका डीबीटी का एग्जाम ऑलमोस्ट
जो है वो अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा और सारी रिवीजन भी हो जाएगी। तो याद रखिए डीबीटी बेट के लिए रिकॉर्डेड कोर्स एंड टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। दूसरा सीएसआर नेट के स्टूडेंट जो है, सीएसआर नेट के स्टूडेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये है एक्सक्लूसिव लाइव बैच। कि लाइव बैच जो है वो स्टार्ट हो रही है 1 अप्रैल से, अराउंड ड्यूरेशन 3 मंथ है। मतलब लाइव बैच तो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्स 3 मंथ का ड्यूरेशन है एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए भी 3 मंथ का ड्यूरेशन है एंड फ्लैट 30% ऑफ है। तो आप जल्दी से जल्दी, जो भी अगर आपको लाइव बैच ज्वाइन करनी है तो लाइव बैच स्टार्ट हो रही है मंडे से, रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हैं 3 मंथ के लिए एंड टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है 30% ऑफ है एंड प्रोमो कोड है IPS30। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, तो लेट्स स्टार्ट टूडेज इम्यूनोलॉजी टॉपिक क्वेश्चंस विद बुलेट पॉइंट्स। तो आज के जो बुलेट पॉइंट्स है, एंड मैं हर टॉपिक के स्लाइड्स पे ही आपको बुलेट पॉइंट्स बताता जाऊंगा, आप अपने नोटबुक्स में उसको लिख लीजिए, ओके, ताकि आपको रिवाइज करने में वो आसान हो। सो सबसे पहला क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो तो कितना क्यूट दिख रहा है आज तो, हाँ ऐसा तो लग रहा है स्लाइड को मैं देखते रहूं। क्वेश्चन भी इतना अच्छा है, स्लाइड भी इतनी अच्छी है, कलर भी इतने अच्छे दिए और क्वेश्चन इतना अच्छा है तो आंसर कितना अच्छा होगा। बढ़िया है, बहुत अच्छा है। और देखिए आंसर आ गया, यस, मैं बहुत अच्छा हूं नीलोफर। आप लोग सब लोग कैसे हैं? यस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। सो इन ऑर्डर टू जनरेट नॉकआउट माइस, नॉकआउट मतलब कि आप कोई जीन को नॉकआउट कर रहे हो, जीन का आप डिलीशन कर रहे हो, तो नॉकआउट मतलब डिलीशन ऑफ जीन ऑफ सिंगल स्पेसिफिक सिंगल कॉपी जीन। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच कैन बी एडॉप्टेड, कौन सा अप्रोच आप यूज कर सकते हो। तो नॉकआउट जीन जनरली हम अगर इम्यूनोलॉजी में भी देखें, या आप कोई भी जीन का अगर नॉकआउट किया जाता है, रिकॉम्बिनेशन का जीन नॉकआउट होता है, तो यहाँ पे जनरली हम बोलते हैं होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन का जो जीन है वो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन से हम जीन को नॉकआउट करते हैं, ओके। तो ये फोर्थ नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, हाँ आप लोग तो पहले से ही बहुत अच्छे हो, आप लोग तो एवरग्रीन हो एज यूजुअल, हमेशा की तरह, और आप लोगों की कृपा से, करुणा से, दया से, आशीर्वाद से, ब्लेसिंग से हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स दैट एक्टिवेट टी हेल्पर सेल्स 1 डू नॉट एक्टिवेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, यस, तो देखिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स दैट एक्टिवेट टी हेल्पर सेल्स, तो टी हेल्पर सेल्स से अगर एक्टिवेट हुए डू नॉट एक्टिवेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा एक्टिवेट नहीं करते। तो टी एच वन अगर लेते हो या टी हेल्पर सेल्स को लेते हो, तो टी हेल्पर सेल्स के लिए बुलेट पॉइंट्स क्या क्या है। तो टी हेल्पर सेल्स को कौन से सेल्स एक्टिवेट कर सकते, तो वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एक्टिवेट कर सकते। तो टी हेल्पर सेल्स को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एक्टिवेट करते, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कैसे एक्टिवेट करते, यस, कैसे एक्टिवेट करते हैं, तो इसमें होते हैं मैक्रोफाजेस, ओके, बी सेल, तो मैक्रोफाज, बी सेल, डेंड्रिटिक सेल, ये डिफरेंट सेल्स है कि जो टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करते बाय प्रेजेंटिंग एंटीजन ऑन MSC class 2। एमएससी क्लास 2 के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट करके एक्टिवेट करते हैं एंड एमएससी क्लास 2 से जो भी एंटीजन आता है प्रोसेस पेप्टाइड, वो टी हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट करता है। एंड जब टी हेल्पर सेल मतलब TH0 एक्टिवेट होती है, तो TH0 कन्वर्ट इनटू डिफरेंट सेल्स, जैसे TH1 में जाती है, TH2 में जाती है, TH17 में जाती है, या TFH में जाती है, या टी रेगुलेटरी में जाती है। तो अलग अलग सेल्स में जाते हैं और अलग अलग सेल्स अलग अलग साइटोकाइंस रिलीज करते हैं, ओके।
जैसे TH1 इंटरफेरॉन गामा रिलीज करती है, करेक्ट, तो ये इंटरफेरॉन गामा रिलीज करती है एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को एक्टिवेट करती है। तो जनरली जो भी टी हेल्पर सेल्स होते हैं इंटरलुकिन 12 का रिस्पॉन्स देते हैं, गामा इंटरफेरॉन, क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल्स, क्लास 1 MHC एंटीजेंस जो है इसको एक्टिवेट नहीं करती। तो फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, MHC क्लास 1 से टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट नहीं होते। ओके, MHC क्लास 1 तो जनरली हम बोलते हैं इन्फेक्टेड सेल्स में मेजर रोल प्ले करता है एंटीजन प्रेजेंटेशन के लिए। तो जब इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वहां पे वो मेजर रोल प्ले करता है एंटीजन प्रेजेंटेशन के लिए, इसलिए ये हमेशा याद रखना है कि इन्फेक्टेड सेल्स जो है वो होने चाहिए, इन्फेक्टेड सेल से प्रेजेंट होगा एंटीजन, तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। ओके, तो दूसरे का फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट है, बट याद रखिए टी हेल्पर सेल्स को MHC क्लास 2 से एंटीजन प्रेजेंट होता है, जो एंटीजन एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन का होता है, जो एंटीजन जो होता है वो एंटीजन हमेशा प्रोसेस्ड पेप्टाइड होती है जो प्रेजेंट की जाती है, जो हमेशा मैक्रोफाज बी सेल्स एंड डेंड्रिटिक सेल्स से प्रेजेंट होती है। यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस या एक्सोजिनस एंटीजन का जो प्रोसेसिंग होता है वो हमेशा लाइसोसोम मेडिएटेड पाथ से होता है। तो सेकेंड ऑप्शन में बहुत सारे स्टूडेंट ने फोर्थ ऑप्शन दिया, वेरी गुड, फोर्थ ऑप्शन उनका करेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट ने थर्ड ऑप्शन दिया था, थर्ड ऑप्शन गलत था। ओके, तो आप में से किस किस ने फोर्थ ऑप्शन दिया था मुझे एक बार थम्स अप करके बताइए, थम्स अप, यस। सेकेंड क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन किस किस ने दिया था थम्स अप करके बताइए, एंड आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जो भी नए होंगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और थर्ड ऑप्शन क्या है, सो थर्ड ऑप्शन जो है थ्री का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इम्यून रिस्पॉन्स आर करेक्ट, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए क्या करेक्ट है, टी सेल्स एक्टिवेटेड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, वेरी गुड, टी सेल्स दे आर एक्टिवेटेड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, करेक्ट है, टी सेल्स को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से एक्टिवेट करते हैं। फॉरिन पेप्टाइड्स आर प्रेजेंटेड टू द टी हेल्पर सेल्स बाय MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स, करेक्ट है, फॉरिन पेप्टाइड्स को हमेशा टी हेल्पर सेल्स को ही प्रेजेंट किया जाता है MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल्स के ऊपर, तो ये देखना है टी MHC क्लास 2 एंड टी सेल्स, वेरी गुड। एंड डेंड्रिटिक सेल्स आर प्रोपेशनल, प्रोपेशनल मतलब राइट हैंड होते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स सबसे मेजर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है, सबसे पोटेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, वेरी गुड, तो डेंड्रिटिक सेल्स सबसे ज्यादा एंटीजन प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व होते हैं, वेरी गुड, मतलब टी हेल्पर सेल्स के सबसे वफादार, सबसे खास, जैसे गब्बर का राइट हैंड कौन था, गब्बर का राइट हैंड जैसे कौन था आप बताओ, वही टी हेल्पर सेल्स का राइट हैंड होता है, मतलब एकदम उसके पास लॉन्ग डेंड्राइट्स होते और लॉन्ग डेंड्राइट्स की वजह से ऐसे मस्त सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में रुकता है, ऐसे शाहरुख खान पोज में, और शाहरुख खान पोज में रुकता है कि कब एंटीजन आएगा, और जैसे एंटीजन आएगा उसको कैप्चर कर लेगा, तो हमेशा हाँ सांबा की तरह होता है, तो जैसे गब्बर का राइट हैंड सांबा है ना, वैसे टी हेल्पर सेल्स का डेंड्रिटिक सेल है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट है, वेरी गुड, तो आप सब लोगों ने सी ऑप्शन बोला, वेरी गुड। तो ये चीज याद रखना, ये तीनों भी चीजें इंपॉर्टेंट है टी सेल्स एक्टिवेशन में, हमेशा टी हेल्पर सेल्स को एंटीजन प्रोसेस्ड पेप्टाइड प्रेजेंट होगा जो कि मैक्रोफाज डेंड्रिटिक सेल्स एंड बी सेल्स से होगा, और टी साइटोक्सिक सेल्स को हमेशा एंटीजन प्रेजेंट होगा MHC क्लास 1 से, और वो इंट्रासेलुलर पैथोजेंस मतलब वायरस इन्फेक्टेड सेल या कोई भी इन्फेक्टेड सेल होगी, ट्यूमर सेल होगी, वो अगर MHC क्लास 1 पे एंटीजन प्रेजेंट करे तो वो टी साइटोक्सिक सेल्स को करती है। ओके, तो यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है, देखो मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंस बता देता हूं ताकि आपको समझ में आए, अगर MHC क्लास 1 मेडिएटेड पाथवे आता है और MHC क्लास 2 मेडिएटेड, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख के लेना आप, MHC क्लास 1 मेडिएटेड पाथवे में यहाँ पे एंडोजिनस एंटीजन होता है जो प्रेजेंट होता है, एंडोजिनस एंटीजन या इसी को साइटोसोलिक एंटीजन बोलते हैं जो कि प्रेजेंट होता है, एंड MHC क्लास 2 में एक्सोजिनस एंटीजन होता है, एक्सोजिनस एंटीजन या इसी को एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर। यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है MHC क्लास 1 पे अराउंड
8 टू 10 अमाइनो एसिड की पेप्टाइड होती है जो प्रेजेंट होती है, 8 टू 10 अमाइनो एसिड पेप्टाइड प्रेजेंट होते हैं। एमएससी क्लास 2 पे 18 टू 20 अमाइनो एसिड की पेप्टाइड होती है जो प्रेजेंट होते हैं। एमएससी क्लास 1 पे यहां पे प्रोटियोजोम मेडिटेड प्रोसेसिंग होता है, तो प्रोटियोजोम मेडिटेड प्रोसेसिंग। एंड एमएससी क्लास 2 पे कैसे होता है, लाइसोजोम मेडिटेड प्रोसेसिंग होता है, तो लाइसोजोम मेडिटेड प्रोसेसिंग, वेरी गुड। उसके बाद एमएससी क्लास 1 पे पेप्टाइड जो होती है वो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 डोमेन्स पे डिस्प्ले होते हैं, बाइंड एंटीजन पेप्टाइड। तो ये अल्फा 1 अल्फा 2 डोमेन पे बाइंड होती है और यहां पे अल्फा 1 एंड बीटा 1 डोमेन पे बाइंड होती है एंटीजन पेप्टाइड। एंड उसके बाद एमएससी क्लास 1 से टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट होता है और एमएससी क्लास 2 से टी हेल्पर सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट होता है। तो ये डिफरेंस, और आप कौन सा डिफरेंस लिख सकते हो, और आप बताओ और कौन सा डिफरेंस लिख सकते हैं आप। यस, और यहां पे वायरस इंफेक्टेड सेल प्रेजेंट करते हैं या इंट्रासेलुलर पैथोजन, इंट्रासेलुलर पैथोजन इंफेक्टेड सेल प्रेजेंट करते हैं। एंड यहां पे एंड एपीसी प्रेजेंट करते हैं, मैक्रोफाज, डेंड्रिटिक सेल एंड बी सेल, ये तीनों प्रेजेंट करते हैं। अब इसके और क्या करेंगे हम, इतना ही इंपॉर्टेंट है, एमएससी से यहां से बाहर कभी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ये बुलेट पॉइंट्स, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ये समझ में आया, इसके बाहर कभी भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ओके, सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। देन नेक्स्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब भी कभी इम्यून सिस्टम होते हैं तो यहां पे कॉम्प्लीमेंट पाथवेज होते हैं, एंड कॉम्प्लीमेंट पाथवेज के तीन फंक्शन है। हाँ, नोट्स में लिख लिया, वेरी गुड नीतू, वेरी गुड, ये सबसे अच्छी बात है, नोट्स में लिखो। यस, सो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के तीन पाथवेज है जो हम डिस्कस करते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के तीन रोल है जो हम डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हम तीन पाथवे जो डिस्कस करते हैं उसमें आते हैं क्लासिकल पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे एंड लेक्टिन डिपेंडेंट पाथवे। ओके, यस, सो ये जो कॉम्प्लीमेंट पाथ है, तो कॉम्प्लीमेंट पाथ के तीन फंक्शंस हैं, करेक्ट। कॉम्प्लीमेंट पाथ के तीन फंक्शन है, एक क्लासिकल पाथ, एक लेक्टिन डिपेंडेंट पाथ एंड एक अल्टरनेट पाथ। क्लासिकल पाथ जो होता है ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से एक्टिवेट होता है, करेक्ट। तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से एक्टिवेट होता है। लेक्टिन पाथ ये मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन से एक्टिवेट होता है, मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन एमबीपी से एक्टिवेट होता है। और तीसरा अल्टरनेट पाथ जो है वो सरफेस स्ट्रक्चर और सरफेस पैटर्न ऑन पैथोजेन से एक्टिवेट होता है, पैथोजेन्स के ऊपर जो पैटर्न से उससे एक्टिवेट होता है। एंड कॉम्प्लीमेंट पाथ के जो फंक्शंस है, फंक्शंस में आप क्या देखते हो, यहां पे मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कब एक्टिवेट होता है, तो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है C5B से, ये हमेशा याद रखो, इनिशिएटर जो है वो C5B है,
एंड C5B जब C6789 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो मैक एक्टिवेट होता है। तो C5B C6789 के साथ अगर कॉम्प्लीमेंट बनाता है तो कॉम्प्लेक्स बनाता है तो मैक एक्टिवेट होता है, तो ये मैक एक्टिवेट करता है। तो फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथ क्या है, तो तीन फंक्शंस हमेशा याद रखने, कभी भूलना नहीं है। मैक का एक्टिवेशन, मैक मतलब पोर फॉर्मेशन करता है कॉम्प्लेक्स, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स एक्टिवेशन होता है, एंड मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स हमेशा C5B C6789 से एक्टिवेट होता है। दूसरा कॉम्प्लीमेंट ऑप्शनाइजेशन एक्टिवेशन होता है, एंड ऑप्शनाइजेशन जो एक्टिवेट होता है वो होता है C3B से। एंड तीसरा जो है, तीसरा एक्टिवेशन होता है इन्फ्लामेशन, एंड इन्फ्लामेशन जो होता है वो स्मॉल फ्रैगमेंट से होता है, तो C5A C4A C3A, तो इससे इन्फ्लामेशन एक्टिवेट होता है। सो दीज आर कॉल्ड एज थ्री डिफरेंट फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथ। तो तीन पाथवेज है, एक पाथवे क्लासिकल पाथवे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की वजह से एक्टिवेट होता है, दूसरा लेक्टिन पाथवे जो मैनोज बाइंडिंग प्रोटीन की वजह से एक्टिवेट होता है क्योंकि उस पैथोजन के सरफेस पे मैनोज प्रोटीन को बाइंड होता है, और तीसरा पाथवे अल्टरनेट पाथवे जो सरफेस पैटर्न जो होते हैं पैथोजेंस के ऊपर उसके वजह से एक्टिवेट होता है। दिस इज द मेजर रोल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स। अब देखो अल्टरनेट पाथ एंड लेक्टिन पाथ दोनों एक ही है, दोनों सिमिलर है क्योंकि वहां पे दोनों में सिमिलर प्रोटीन एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि पहला C3 कॉम्प्लेक्स बनता है, C3 कन्वर्टेज कॉम्प्लेक्स C4B2A वाला, एंड दूसरा C4B2A3B वाला कॉम्प्लेक्स बनता है C5 कन्वर्टेज, एंड उसके बाद C5B C6789 का कॉम्प्लेक्स बनता है जो मैक को एक्टिवेट करता है। अगर लेक्टिन का पाथ और क्लासिकल पाथ दोनों सेम है, सिर्फ अल्टरनेट पाथ में क्या होता है पैथोजन के सरफेस पे जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है या LPS होता है, तो यहाँ पे LPS है, पेप्टिडोग्लाइकन है, जो टीकोइक एसिड है, ये मेजर रोल प्ले करते हैं एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथवे। तो जो सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अल्टरनेट पाथवे अलग वे से एक्टिवेट होता है ओनली, बाकी सारे पाथवेज में सेम है। तो ये हुआ हमारा सेकेंड जो फोर्थ क्वेश्चन था कि कॉम्प्लीमेंट पाथवे। तो यहाँ पे हमारे कॉम्प्लीमेंट के पाथवे एंड फंक्शन क्लियर हो गए, तो सी ऑप्शन करेक्ट इसका, वेरी गुड, आप सब लोगों ने सही जवाब दिया है। अब देखिए, और इस तरह से अगर प्रैक्टिस करोगे तो डीबीटी का JRF क्लियर हो जाएगा। तो डीबीटी के लिए एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, एंड मॉक टेस्ट सीरीज भी आपके लिए आने वाली है। तो IFS30 प्रोमो कोड है 30% ऑफ है डीबीटी के टेस्ट सीरीज पे एज वेल एज रिकॉर्डेड कोर्स पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स जो एंटीबॉडी के ऊपर होते हैं, सो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स दे आर प्रेजेंट ऑन एंटीबॉडी, दे आर कौन से एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंटीबॉडी पे, यस, सो जल्दी से जल्दी बताइए, क्लियर है, वेरी गुड, समझ में तो आ रहा है, आज इम्यूनोलॉजी का सेशन चल रहा है वो, यस। और आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लेके आए जिसे पूरी इम्यूनोलॉजी कवर हो जाएगी डीबीटी के लिए। अब देखिए, टाइप्स ऑफ एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स, इडियोटाइपिक डिटर्मिनेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो इडियोटाइपिक डिटर्मिनेंट्स से पहले जो भी डिटर्मिनेंट्स होते हैं एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स ऑन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के ऊपर कौन से एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, यस, कौन से एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स होते हैं, तो थ्री डिफरेंट टाइप्स के एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स हम देखते हैं प्रेजेंट होते हैं। तो इडियोटाइपिक डिटर्मिनेंट्स कहां पे प्रेजेंट होते हैं, सो देखो, सबसे पहले एक तो होता है आइसोटाइपिक, आइसोटाइपिक होते हैं, इडियोटाइपिक होते हैं, और तीसरे होते हैं एलोटाइपिक, तो एलोटाइपिक, इडियोटाइपिक, आइसोटाइपिक मतलब, आइसोटाइपिक का मतलब है वेरिएबल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट ऑन कौन से रीजन पे होते हैं आइसोटाइपिक में, कांस्टेंट रीजन पे होते हैं, तो कांस्टेंट हेवी चेन एंड कांस्टेंट लाइट चेन। अगर वेरिएबल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट कांस्टेंट रीजन पे हो तो उसको आइसोटाइपिक डिटर्मिनेंट बोलते हैं। इडियोटाइपिक, अगर वेरिएबल एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट
वेरिएबल रीजन पे हो, तो वेरिएबल रीजन पे हो तो इसको हम बोलते हैं वेरिएबल हैवी और वेरिएबल लाइट, तो इसको हम बोलते हैं इडियोटाइपिक डिटरमिनेंट्स, तो इडियोटाइपिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इडियोटाइपिक डिटरमिनेंट्स ऑन, ये तो कांस्टेंट रीजन गलत ही है, कांस्टेंट रीजन पे वेरिएबल नहीं होते, तो यहाँ पे वेरिएबल रीजन्स ऑफ द लाइट चेन एंड हेवी चेन, वेरिएबल रीजन्स लाइट चेन एंड हेवी चेन्स में जो डिटरमिनेंट्स होते हैं इसको इडियोटाइपिक डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। एंड एलोटाइपिक मतलब देर इज द स्मॉल वेरिएशन इन स्मॉल एलिलिक वेरिएशन, जो स्मॉल एलिलिक वेरिएशन होता है इन टू स्ट्रेन्स ऑफ सेम स्पेसिस, सेम स्पेसिस के दो स्ट्रेन में जो भी स्मॉल एलिलिक वेरिएशन होता है सेम एंटीबॉडी का सेम एंटीजन के अगेंस्ट, इसको एलोटाइपिक बोलते हैं। एलोटाइपिक मतलब वेरी स्मॉल वेरिएशन होता है। तो ये तीन चीजें याद रखना, आइसोटाइपिक डिटरमिनेंट कि जहां पे हम कांस्टेंट रीजन पे वेरिएबल एंटीजेनिक डिटरमिनेंट देखते, इडियोटाइपिक मतलब वेरिएबल रीजन पे डिफरेंट एंटीजेनिक डिटरमिनेंट होते, और एलोटाइपिक मतलब स्मॉल वेरिएशन, वेरी स्मॉल वेरिएशन अगेंस्ट जो भी एंटीबॉडी, स्मॉल वेरिएशन होना चाहिए, स्मॉल वेरिएशन किसके अगेंस्ट होना चाहिए, तो स्मॉल वेरिएशन अगेंस्ट एंटीबॉडी कि जो विद इन सेम स्पेसिस, अगर आप दो स्ट्रेन की जैसे सोनू मोनू दोनों की एक ही एंटीबॉडी आईजीजी एंटीबॉडी निकाली सेम एंटीजन के अगेंस्ट निकाली, एंटीजन एक के अगेंस्ट, तो सेम एंटीबॉडी सेम एंटीजन के अगेंस्ट है तो उसका कांस्टेंट रीजन भी सेम होगा, वेरिएबल रीजन भी सेम होगा, बस डिफरेंस क्या है, दो पर्सन अलग अलग है, सोनू मोनू, सीता गीता, राम श्याम, ओके, करण अर्जुन और गब्बर सांबा, सही है हा? तो दो अलग अलग पर्सन है, तो ये दो अलग अलग पर्सन से अगर आपको ये एंटीजेनिक डिटरमिनेंट्स देखोगे तो उसको इडियोटाइपिक बोलते हैं, एलोटाइपिक बोलते हैं, यस। उसके बाद नेक्स्ट, अब ये वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो इसको अच्छे से सॉल्व कीजिए, लेट स्टार्ट, क्योंकि हम अभी सिंपल से डिफिकल्ट की ओर जा रहे हैं और सिंपल से डिफिकल्ट की ओर जाते जाते जय वीरू, सही है जय वीरू, ये तो मैं भूल ही गया, आज कैसे भूल गया मैं जय वीरू को, जय वीरू करेक्ट है, करण अर्जुन, अमर अकबर एंथनी, तीनों की अलग अलग, और हा? चंगू मंगू, ये भी भूल गया, ये सब एलोटाइपिक डिटरमिनेंट्स में आएंगे, यस। नेक्स्ट, रामलाल श्यामलाल, ये भी बहुत चलता है, रामलाल श्यामलाल विक्रम बेताल, सही है, विक्रम बेताल कैसे होगा, विक्रम तो होगा, बेताल तो भूत है, भूत से कैसे एंटीबॉडी निकालोगे भाई साहब, ये तो हद कर दिया आपने, विक्रम से तो निकाल सकते, बेताल से एंटीबॉडी नहीं निकलेगी, वो भूत वाले एंटीबॉडी निकलेगी जो दिखेगी नहीं यस yes. आजकल आप भूत में भी इम्यून रिस्पॉन्स करने लगे, इतना इम्यूनोलॉजिकल सीरियसली लिया क्या, मैंने पढ़ा है इसका मतलब ये नहीं कि आप भूत में भी एंटीबॉडी बनाओ, इतना सीरियसली लिया इम्यूनोलॉजी भूत वाली एंटीबॉडी देख रहे और उसमें भी डिटरमिनेंट्स देख रहे, वो भी एलोटाइपिक डिटरमिनेंट्स, मतलब बस बाय, अगर ये क्यूबे को समझ में आया ना कि भूत से भी एंटीबॉडी बना रहे, उनको तो चक्कर ही आ जाएगी तो डिटरमाइन करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ एसर्शन एंड रीजन, इतना ज्यादा पढ़ा इम्यूनोलॉजी का। सो आईजीएम, देखो आईजीएम इज फाउंड इन सीरम एज अ मोनोमेरिक प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ आईजीएम एंटीबॉडी एज अ बीसीआर, ओके, और दूसरा द पेंटामेरिक फॉर्म आईजीएम इज ड्यू टू द क्रॉस लिंकिंग ऑफ आईजीएम मोनोमर्स वाय पेप्टाइड बॉन्ड, तो क्या सही आंसर, तो बहुत सारी जनता जनार्दन सी ऑप्शन बोल रही है, जनता जनार्दन सी ऑप्शन बोल रही है, वेरी गुड,
तो जनता जनार्दन सी ऑप्शन बोल रही है। आईजीएम इज फाउंड इन सीरम एज अ मोनोमेरिक फॉर्म। आपने सीरम में मोनोमेरिक फॉर्म में देखी है एंटीबॉडी या पेंटेमेरिक फॉर्म में देखी है? हाँ, एंड कंसिस्टिंग ऑफ आईजीएम एंटीबॉडी एज अ बीसीआर, और वो बी सेल रिसेप्टर का भी काम कर रही है। हद हो गई आज तो आईजीएम का, क्वेश्चन गलत कर दिया पूरा, सारे सी 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 बोल रहे हैं। एंड द पेंटेमेरिक फॉर्म, पेंटेमेरिक फॉर्म आईजीएम इज ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग ऑफ आईजीएम मोनोमर्स वाया पेप्टाइड बॉन्ड। यस, तो रीजन भी गलत है, एसर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है। कैसे होगा? अरे रे, ये तो गुगली था, गुगली गुगली था, इसका आंसर ही नहीं दिया था। मुझे पता था आप लोग आंसर दोगे, समझ में आया? आज तो आपके मजे ले लिए हमने, इसका आंसर ही नहीं है, दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। क्योंकि आईजीएम मोनोमेरिक फॉर्म में सीरम में नहीं होता, वो बी सेल रिसेप्टर का पार्ट होता है मोनोमेरिक, पेंटेमेरिक सीरम में होता है, ये सीरम में नहीं होता मोनोमेरिक, मोनोमेरिक बी सेल रिसेप्टर होता है, समझ में आया? हाँ, तो आज ऑप्शन नहीं था, फिर भी आपने ऑप्शन लगा दिया, पता है इसको बोलते हैं तुक्का लगाना। मैं तो देखना चाहता था आप में से कौन कौन तुक्का मास्टर है। आज तो सब आ गए सामने, पर्दे के पीछे के सारे हीरो सारे आगे आ गए, मैं सिर्फ देखना चाहता था कौन कौन फंसता है जाल में। तो बोथ फॉल्स है, कैसे मोए मोए किया आपका, देखा? हमेशा क्वेश्चन आने के बाद ऑप्शन देना नहीं होता है, पहले देखना होता है ऑप्शन है क्या, और दूसरा कि हिरन सब फंस गए और डीबीटी का प्रिपरेशन कर रहे आप, और आईजीएम एंटीबॉडी का क्वेश्चन गलत कर दिया। देखो तो सही, आईजीएम दो फॉर्म में होती है, पेंटेमेरिक जो सिक्रिटेड होती है सीरम में, तो अगर आईजीएम सीरम में है तो वो सिक्रिटेड है, जो पेंटेमर है तो सिक्रिटेड है तो पेंटेमर है, ओके। और आईजीएम अगर बी सेल रिसेप्टर है बीसीआर तो बी सेल्स के ऊपर है, तो ये बी सेल्स के ऊपर है और वो मोनोमर है। देखा कैसे हुआ आज का कमाल, कैसे इम्यूनोलॉजी का चेक किया आपका नॉलेज। हाँ, अब देखिए साक्षी बोल रहे हो सही है, आईजीएम एक्सप्रेस्ड ऑन सरफेस ऑफ बी सेल्स एज अ मोनोमर, मोनोमर के फॉर्म में होता है, तो आप सीरम में फाउंड इन सीरम एज अ मोनोमेरिक प्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ आईजीएम एंटीबॉडी एज अ बी सेल रिसेप्टर, सेम प्रोटीन बीसीआरबी और सेम प्रोटीन ये। यस, तो आज तो फंस गए सारे हिरन, क्या जाल बनाया था आज का। तो बोथ आर फॉल्स, देखो मैं यहां पे फॉल्स लिखता हूं आपके लिए, मैं यहां पे ऑप्शन रेडी करता हूं, यहां पे मैंने दोनों का फॉल्स किया, किसी को बुरा ना लगे, ओके। सो ए इज फॉल्स, आर इज फॉल्स, दोनों भी फॉल्स है, जाने दो, तब इसका फोर्थ ऑप्शन होगा। देन नेक्स्ट, हा अच्छा, आराध्या नहीं फंसी क्या? अच्छा ठीक है, अगली बार क्वेश्चन गलत नहीं था, क्वेश्चन तो सही था। अ नियोनेटली थायमेक्टोमाइज माउस इम्यूनाइज्ड विद प्रोटीन एंटीजन शोज। अब देखो विद थाइमस रिस्पॉन्स अलग होता है और विदाउट थाइमस रिस्पॉन्स अलग होता है। अगर थाइमस प्रेजेंट है तो रिस्पॉन्स अलग होगा, विदाउट थाइमस है तो रिस्पॉन्स जो है वो अलग होगा, ओके।
तो विथ थाइमस है तो यहाँ पे टी सेल्स प्रेजेंट होंगे, और विदाउट थाइमस है तो यहाँ पे टी सेल्स नहीं होंगे। अगर टी सेल्स प्रेजेंट है तो यहाँ पे टी डिपेंडेंट रिस्पॉन्स होगा, और अगर टी सेल्स नहीं है तो यहाँ पे टी इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स होगा। तो टी इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स होगा, यहां पे टी डिपेंडेंट रिस्पॉन्स होगा तो यहां पे प्राइमरी रिस्पॉन्स भी होगा एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स भी होगा, ओके okay? और यहां पे ओनली प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा, यहां पे ओनली प्राइमरी रिस्पॉन्स होगा। तो ऐसा नहीं है कि थाइमस नहीं, इसका मतलब रिस्पॉन्स ही नहीं होगा। यस yes! तो जल्दी से जल्दी बताइए अब आपका आंसर क्या होगा। तो यहां पे आंसर होना चाहिए ओनली प्राइमरी रिस्पॉन्स, कि प्राइमरी रिस्पॉन्स कुछ टाइम तक का हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी रिस्पॉन्स ना हो, ओके नो रिस्पॉन्स चांसेस आर लेस, प्राइमरी रिस्पॉन्स कैन बी ऑकर। ऐसे रिस्पॉन्सेस को टी इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स बोल सकते हैं, जहां पे आईजीएम एंटीबॉडी बन सकती है, ओके या जो इननेट इम्यून रिस्पॉन्स है उसका काम होगा, जो इननेट इम्यूनिटी जो है वो एक्टिवेट होगी। सो बी ऑप्शन होता है उसका, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, ओके ये समझ में आया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्ट 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 बताइए। देन नेक्स्ट, पॉलीमॉर्फिक डोमेन्स फॉर क्लास टू एमएससी प्रोटीन। अभी मैंने क्लास टू एमएससी प्रोटीन्स को आपको बताया है, रैपिड रिवीजन है, और रैपिड रिवीजन में हम डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस करें, बुलेट पॉइंट्स को डिस्कस करें, एंड बुलेट पॉइंट्स हर टॉपिक्स के, हर क्वेश्चंस के वाइज मैं आपको बता रहा हूं। तो बुलेट पॉइंट्स को याद रखना, जो भी स्लाइड्स पे लिखे हुए इन पॉइंट्स को हमेशा याद रखना। पॉलीमॉर्फिक डोमेन्स क्लास टू एमएससी मॉलिक्यूल्स के कौन से है, और ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन से बहुत ये वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे गए। सिग्नलिंग का भी रैपिड रिवीजन होगा, जल्दी होगा, आस्था सारे रैपिड रिवीजन्स होंगे। आप सिर्फ ये वाले रैपिड रिवीजन्स के नोट्स बना लेना, उनको अच्छे से रिवाइज करना, फास्ट रिवाइज करना। तो जो एमएचसी क्लास वन एंड क्लास टू हमने डिस्कस किया है कि एमएचसी क्लास वन के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं और जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, और एमएचसी क्लास टू के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। तो एमएससी क्लास वन पे जो पेप्टाइड बाइंडिंग डोमेन कौन सा होता है, तो यहां पे होता है अल्फा वन एंड अल्फा टू, एंड ये पॉलीमॉर्फिक होंगे, ये वेरिएबल रीजन होता है, दिस इज वेरिएबल पॉलीमॉर्फिक हम बोलते हैं। और यहां पे होता है अल्फा वन एंड बीटा वन, तो अल्फा वन बीटा वन होता है, यहां पे लिखा है अल्फा वन बीटा टू, बीटा टू डोमेन तो नीचे होगा, वो कैसे हो जाएगा बीटा वन बीटा टू। तो यहां पे अल्फा वन एंड बीटा वन डोमेन जो होंगे वो पॉलीमॉर्फिक होंगे। तो अल्फा वन बीटा वन ये वेरिएबल रीजन होगी जिसमें एंटीजन पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रो होगी। तो यहां पे पेप्टाइड जो होती है, जैसे मैंने बोला ना अभी 8-10 अमाइनो एसिड की पेप्टाइड होते हैं जो यहां पे बाइंड होते हैं, और यहां पे 18-20 अमाइनो एसिड की पेप्टाइड बाइंड होते हैं। तो बस पॉलीमॉर्फिक जो होता है वो अल्फा वन बीटा वन होता है, ओके ये समझ में आया। बीटा टू वाला पॉइंट नीचे आएगा क्योंकि अल्फा वन अल्फा टू होता है, बीटा वन बीटा टू होता है। तो अल्फा वन बीटा वन में वेरिएबल रीजन होता है जहां पे पेप्टाइड प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट, अब आया क्वेश्चन सामने, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन डीबीटी में बहुत पूछे गए, ये वाले क्वेश्चन को देखते आप सॉल्व कर पाते हो नहीं पाते हो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस डीबीटी में पूछे जाते हैं, ये याद रखना। यस,
तो यहां पे रोल आता है जब भी कभी पेशेंट विथ एचआईवी इंफेक्शन, अगर कोई भी इंफेक्शन होता है इंट्रासेलुलर पैथोजेंस का, इंट्रासेलुलर पैथोजेंस मतलब जो कि हमारे सेल्स को इन्फेक्ट करते, ओके, द इन्फेक्ट होस्ट सेल्स, अगर वो इन्फेक्ट करते होस्ट सेल्स को, तो होस्ट सेल्स को इन्फेक्ट करने के बाद यहां पे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी काम करती है। यहां पे कौन सी इम्यूनिटी काम करती है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का मेजर पार्ट कौन सा है? तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का मेजर पार्ट है टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, यहां पे टी साइटोटॉक्सिक सेल्स मेजर रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में यह पूछा गया है पेशेंट विथ एचआईवी इंफेक्शन एग्जिबिट रिड्यूस्ड एबिलिटी टू फाइट इंट्रासेलुलर पैथोजन लाइक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, दिस इज प्राइमरली इंडिकेट्स अ डेफिशिएंसी इन विच कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम, कौन सा कंपोनेंट अफेक्ट हुआ कि जिसकी वजह से इम्यूनिटी जो है वो डेफिशिएंसी होगी, क्योंकि इंट्रासेलुलर पैथोजन से जो अफेक्ट होता है वो होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो बी लिम्फोसाइट्स तो हो नहीं सकता, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होता है, मैक्रोफाज नहीं, और टी साइटोक्सिक सेल्स को भी एक्टिवेट कौन करने वाला था? टी हेल्पर सेल, कि टी हेल्पर सेल स्टिमुलेट करता है टी साइटोक्सिक सेल एंड ये फिर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी शो करता है। एक्चुअल में होता यह है कि एचआईवी वायरस जो है वो एचआईवी वायरस खुद टी हेल्पर सेल्स को इन्फेक्ट करता है। एचआईवी वायरस सबसे चालाक वायरस में से आता है जो कि टी हेल्पर सेल्स को इन्फेक्ट करता है, और टी हेल्पर सेल्स इन्फेक्ट होते हैं तो टी हेल्पर सेल्स का काउंट कम हो जाता है, और टी हेल्पर सेल्स का काउंट कम हो गया तो वो टी साइटोक्सिक सेल्स को एक्टिवेट नहीं कर पाता, टी साइटोक्सिक सेल एक्टिवेट नहीं हुआ तो फिर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होता है, बट उसको रेजिस्टेंस नहीं होता क्योंकि इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं हो रही है, टी हेल्पर सेल्स का काउंट डिप्लीट है, दैट्स वाई एचआईवी के इन्फेक्शन में बाद में एड्स होता है, और एड्स के बाद में एड्स होने के बाद ट्यूबरकुलोसिस भी देखने को मिलता है, कि ट्यूबरकुलोसिस अगर हो रहा है तो इसका मतलब है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी ना होने की वजह से वहां पे ट्यूबरकुलोसिस हो रहा है, ओके? तो एचआईवी बहुत जो है वो मतलब एडवांस लेवल का वायरस है जो कि टी हेल्पर सेल्स को ही इनिबिट करता है, क्योंकि वो मेजर सेल है हमारी इम्यून सिस्टम की। तो ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का पार्ट है, एंड सेल मेडिएटेड के बहुत सारे क्वेश्चन डीबीटी में पूछे गए, याद रखना वायरस इंफेक्शन या उस रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसमें टी सेल्स का रोल बहुत ज्यादा पूछा गया है डीबीटी के एग्जाम्स में। नाउ नेक्स्ट जो है, देखिए सीएसआर ने 2024 एक्सक्लूसिव लाइव बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड कोर्स 3 मंथ ड्यूरेशन के लिए 30% ऑफ, और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 3 मंथ ड्यूरेशन के लिए ये भी 30% ऑफ है। तो IFS 30 प्रोमो कोड है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट्स सी कि आप इसका आंसर कैसे देते हो। एंड देखिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे दिखे होंगे PYQ में, DBT के, जब आपने DBT के PYQ सॉल्व किए होंगे, और नहीं किए तो DBT के PYQ जरूर देखना, क्योंकि वो PYQ सॉल्व करोगे तो ही आपको समझ में आएगा कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है एग्जाम में, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस, अब ये क्वेश्चन कौन कौन करता है देखते हैं। ये क्वेश्चन जिसने किया उसका मतलब एक पार्ट बहुत अच्छा है, एंटीजन प्रोसेसिंग, एंटीजन प्रेजेंटेशन, एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स, एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स कैसे होता है, इसलिए तो रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर इम्पेयर्स द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द MHC मॉलिक्यूल्स, कि जो जैसे बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम है, कि बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम में MHC क्लास 2 के जीन्स में म्यूटेशन होता है, दिस वुड मोस्ट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट विथ रिस्पेक्ट ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स, किस रिस्पॉन्स को अफेक्ट होगा अगर MHC नहीं रहेंगे तो। यस, कौन से रिस्पॉन्स को अफेक्ट होगा? तो MHC नहीं रहेंगे तो एंटीजन प्रेजेंटेशन को अफेक्ट होगा, एडाप्टिव इम्यूनिटी पूरी अफेक्ट होगी MHC नहीं रहेंगे तो, और एडाप्टिव इम्यूनिटी में भी सबसे मेजर पार्ट कौन सा अफेक्ट होगा? टी सेल एक्टिवेशन का पार्ट अफेक्ट होगा, एंड टी सेल एक्टिवेशन कैसे होता है? तो एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन से होता है, तो एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन से होता है, तो टी सेल्स का पार्ट पूरा अफेक्ट होगा, बस इतना याद रखो, ये बुलेट पॉइंट्स लिख के लेना। तो एक तो है फैगोसाइटोसिस अफेक्ट नहीं होगा,
फैगोसाइटोसिस एमएससी नहीं करता है, फैगोसाइटोसिस के बाद एंटीजन प्रेजेंटेशन होता है उसमें एमएससी काम करता है। बी सेल्स का प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज बाय बी लिम्फोसाइट्स में एमएससी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ये तो टी हेल्पर सेल्स का काम है साइटोकाइन रिलीज करना। रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन एंटीजन बाय टी लिम्फोसाइट्स, हाँ इसमें मेजर रोल प्ले करता है एंटीजन प्रेजेंटेशन में। यह रिकॉग्निशन मतलब एंटीजन प्रेजेंटेशन जो होता है उसमें एमएससी डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्स में एमएससी कोई काम नहीं करता, कॉम्प्लीमेंट्स में उसका कोई रोल नहीं है, तो डायरेक्ट सी ऑप्शन जो है करेक्ट है कि एमएससी मॉलिक्यूल नहीं होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर होगा एमएससी मॉलिक्यूल, जैसे बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम होता है तो वहां पे एमएससी क्लास 2 के जीन के प्रमोटर में म्यूटेशन होता है तो वहां पे फिर एंटीजन प्रेजेंटेशन अफेक्ट होता है। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटीजन इज फॉल्स, एंटीजेंस के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। अब यहां पे एंटीजेंस के लिए जो स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है दे आर, अब ये वाला क्वेश्चन, एंटीजेंस के प्रॉपर्टीज कितने अच्छे हैं आपके, एंटीजेंस टर्मिनोलॉजी आपकी अच्छी है क्या, एंटीजेंस हेप्टेंस एडजुएंट्स कैरियर प्रोटीन में आपको डिफरेंस पता है क्या, ये बताता है। यस, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंटीजेंस इज फॉल्स, एंटीजेंस के लिए क्या फॉल्स है। तो एंटीजेंस कैन बी प्रोटीन्स, यस वो प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड्स भी होते हैं, लिपिड्स होते हैं, और ये कभी कभी न्यूक्लिक एसिड हो सकते हैं, कभी कभी मतलब जब सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाइटिस डिजीज होता है तभी वो इम्यूनोजेनिक होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। एंटीजेंस कैन इलिसिट स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म, यस कैन लिखा है इसलिए सही है, पॉलीसेकेराइड एंटीजेंस आर इलिसिट स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनिज्म एज कंपेयर टू प्रोटीन, ये उल्टा लिखा है, प्रोटीन यहां पे होना चाहिए और पॉलीसेकेराइड यहां पे होना चाहिए तब यह सही हो जाता। ओके, अगर प्रोटीन यहां पे होता और पॉलीसेकेराइड वहां पे होता तो सही होता, तो सी गलत है। एंड एंटीजेंस कैन रिकॉग्नाइज बाय एंटीबॉडीज और टी सेल्स, दैट इज करेक्ट, यह भी करेक्ट है, तो तीनों करेक्ट है, सी ऑप्शन जो है गलत है। केएलएच हाईली इम्यूनोजेनिक है, जैसे प्रोटीन्स में आप केएलएच लेते हो, केएलएच है या बहुत सारे प्रोटीन एंटीजन हम लेते हैं, बीएसए लेते हैं, बीजीजी लेते हैं, ओवेल्ब्यूमिन लेते हैं, फ्लाजेलिन लेते हैं, ये सारे प्रोटीन एंटीजन है। वैक्सीन्स में तो जनरली हम प्रोटीन एंटीजन लेते हैं, वायरस के कैप्सोमर प्रोटीन्स लेते हैं, बैक्टेरिया के जो भी प्रोटीन्स है स्ट्रक्चर के वो लेते हैं, क्यों, क्योंकि ये एंटीजेंस मेजर रोल प्ले करते हैं क्योंकि वो प्रोटीन एंटीजेंस है। ओके, सो सी ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि पॉलीसेकेराइड से प्रोटीन एंटीजेंस स्ट्रांग होते, प्रोटीन्स हमेशा स्ट्रांग होते, पॉलीसेकेराइड बाद में जो है वो आते, एंड जनरली पॉलीसेकेराइड्स जो है वो प्रोटीन्स के कंपेयर में वीक इम्यूनोजेनिक होते हैं। ओके, सो दीज आर द एंटीजेंस, और एंटीजेंस के प्रॉपर्टीज याद रखना, एंटीजेंस के प्रॉपर्टीज में 10 किलो डाल्टन से ज्यादा मॉलिकुलर वेट होना चाहिए, साइज बड़ी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होनी चाहिए, फॉरिन होना चाहिए और प्रोसेसेबल डिग्रेडेबल होना चाहिए। ओके, सो दीज आर द एंटीजेंस। अब ये कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, डिफरेंट एंटीबॉडी एंड एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन आपको पता है क्या, यस yes, तो उसके लिए क्वेश्चन है। सो डिफरेंट एंटीबॉडी एंड एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन क्या है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंटीबॉडी क्लासिफिकेशन इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है एंटीबॉडी क्लासिफिकेशन के लिए। यस, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ हेवी चेन किया गया है कि हेवी चेन कौन से है उसके बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन है, जैसे म्यू है तो आईजीएम है और आईजीएम प्राइमरी एंटीबॉडी है, अगर डेल्टा है तो आईजीडी है और आईजीडी बी सेल रिसेप्टर का काम करते हैं, अगर अल्फा है तो आईजीए है और आईजीए डाइमेरिक है और डाइमेरिक एंटीबॉडी है और ये सिक्रीशंस में होती है। ओके,
उसके बाद IgGA गामा चेन IgG, और ये सेकेंडरी एंटीबॉडी है जो सीरम में हाई होती है, ओके। और आप जो डी का एजेंडा ले रहे हो ना, डी का, वो डी का एजेंडा यहाँ पे सीरम लिखा है, वो याद रखना, यहाँ पे सीरम लिखा है। क्या सीरम में हाई होती है क्या? कैसे फिर से हिरन फंस गए? हाँ, हिरन के अभी कल के होली के रंग उतरने नहीं है शायद, कल का होली का रंग अभी भी लगा हुआ है, अभी भी वो हिरन समझ नहीं रहे बात को, हिरन स्टेटमेंट को पढ़ते नहीं, कहाँ पे हाई लिखा है कहाँ पे लो लिखा है, बस क्वेश्चन दिखा ऑप्शन लगाना स्टार्ट बस। आईजीजी एंटीबॉडी फर्स्ट एंटीबॉडी नहीं होती, तो पहला ऑप्शन गलत है। आईजीएम एंटीबॉडी आर मोनोमेरिक स्ट्रक्चर, एक्ट्स एज रिसेप्टर एंड इट इज ट्रांसमेम्ब्रेन, ये सही है, बी सेल रिसेप्टर काम करती है बी सेल्स के ऊपर, तो ये सही तो है, अभी तो बोला बी सेल रिसेप्टर मोनोमेरिक होती है। IgD एंटीबॉडी आर प्राइमरली इन्वॉल्व इन द क्लियरेंस ऑफ द पैथोजेंस फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम, प्राइमरली नहीं होते IgD, गलत है, IgD तो कभी कभी होती है। हाँ, IgG सीरम में होता है, यही तो मैं बोल रहा हूं, IgG सीरम में होता है, IgD सीरम में नहीं, IgA सीरम में नहीं, सिक्रीशंस में ज्यादा होता है, सिक्रीशंस मतलब म्यूकस में होता है। अगर मैं यहाँ पे सीरम के जगह पे म्यूकस लिखूं तो सही है, अगर मैं वहां पे मिल्क लिखूं तो सही है, अगर मैं वहां पे कोलोस्ट्रम लिखूं फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर तो सही है, सलाइवा लिखूं तो सही है, टीयर्स लिखूं तो सही है, और आप सीरम में हाई कर रहे हो IgA को। हाँ, आपके बॉडी के IgA सीरम में जाती है क्या हाई? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आजकल, हमने तो सुना था वो सिक्रीशंस में होती है, हमारी तो आईजे हमेशा सिक्रीशन में रहती है, म्यूकस में, सलाइवा में, टीयर्स में, मिल्क में। यस, और आप बोल रहे हो सीरम में हाई होते, सीरम में नहीं हाई होती हो, सिक्रीशंस में होते, सीरम में बहुत लो होती है, होगी तो भी बहुत लो होगी, ओके। और सीरम में IgG हाई होती है। तो देखा सिंपल क्वेश्चन का कितना गलत हुआ, एंटीबॉडी क्लासिफिकेशन कितना सिंपल पॉइंट है, लेकिन क्वेश्चन गलत हुआ। हाँ, साक्षी का सही था, वेरी गुड साक्षी, जिनका भी सही हुआ है उसको, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड। जिन्होंने गलत किया है बस रिविजन्स की कमी है, सिंपल क्वेश्चन पे गलती होती है, ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, IgG मोस्ट अबंडेंट सीरम में होती है। यस, नेक्स्ट, ये समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच प्रोसेस कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द डाइवर्सिटी ऑफ एंटीबॉडी जनरेटेड बाय बी सेल्स। ये वाला क्वेश्चन आपके लेवल का है, स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन, एंटीबॉडी की डाइवर्सिटी कैसे बनती है। तो एंटीबॉडी डाइवर्सिटी में बहुत सारे पॉइंट्स मेजर रोल प्ले करते हैं, एंटीबॉडी डाइवर्सिटी, तो एंटीबॉडी डाइवर्सिटी में मेजर रोल जो प्ले करता है दैट इज, एक होता है मल्टीपल जर्म लाइन जीन सेगमेंट, तो मल्टीपल जर्म लाइन जीन सेगमेंट, तो ये एक मेजर रोल प्ले करता है मल्टीपल जर्म लाइन जीन सेगमेंट। उसके बाद कॉम्बिनेटोरियल VDJ ज्वाइनिंग, VDJ ज्वाइनिंग मेजर रोल प्ले करता है। तीसरा कॉम्बिनेटोरियल एसोसिएशन ऑफ H and L chain का कॉम्बिनेटरल एसोसिएशन होता है, कौन से H के साथ कौन सी L जाएगी। चौथा जंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है। पांचवा सोमेटिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड एडिशन, तो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड एडिशन, तो पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन होता है। छठा पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड एडिशन के बाद और एक होता है एन न्यूक्लियोटाइड एडिशन, एंड उसके बाद होता है
एंड न्यूक्लियोटाइड एडिशन के बाद होता है सातवा, दैट इज सोमेटिक हाइपरम्यूटेशन। और आप सब लोगों ने जो आंसर लगाया ना, ये कौन सा है, आप सब लोगों ने आंसर लगाया बी ऑप्शन, आइसोटाइपिक स्विचिंग, जो कि इसमें आता ही नहीं है। आइसोटाइपिक स्विचिंग तो अलग ही है। हाँ, मतलब देखा कंसेप्ट कहां पे जा रहा है, आप कहां पे जा रहे हो। कंसेप्ट पूछ रहा है बॉम्बे कहां पे, आप बोल रहे हो दिल्ली यहां पे। भाई साहब दिल्ली पूछा ही नहीं है ना। हाँ नहीं नहीं दिल्ली यहां पे, हम बोल रहे बॉम्बे कहां पे, नहीं दिल्ली यहां पे, आगरा भी यहां पे, ताजमहल भी यहां पे। हाँ अरे बॉम्बे ना, यहां पे ताजमहल है, यहां पे देख लो। तो यहां पे सोमेटिक हाइपरम्यूटेशन बहुत कम कंट्रीब्यूट करता है। आइसोटाइपिक स्विचिंग तो दूर दूर तक संबंध नहीं है इसका, ये तो मोई मोई हो गया बी ऑप्शन वाला। जीन कन्वर्जन तो होता नहीं है। कॉम्बिनेटोरियल डाइवर्सिटी, कॉम्बिनेटोरियल एसोसिएशन ऑफ जो सेगमेंट्स से, है ये पहले तीन कि जो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी, मतलब अराउंड 2.09 × 10⁶ एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। ओके, सो डी ऑप्शन कॉम्बिनेटोरियल। देखो ना क्या पूछा है, विच प्रोसेस कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द डाइवर्सिटी, एंटीबॉडी जनरेशन बाय बी सेल्स। सिग्निफिकेंट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस है, जो एंटीबॉडी डाइवर्सिटी में काम करता है वो इन, ये तो बुलेट पॉइंट है ये लिख लेना, बट इनमें से कौन सी है, तो कॉम्बिनेटोरियल एसोसिएशन जो है वो है। यस, हाँ ये सच में नहीं पता था इसलिए तो क्वेश्चन लाया है। मुझे पता है आपको नहीं पता होगा तभी तो क्वेश्चन लाया है। सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कॉम्बिनेटोरियल डाइवर्सिटी। एंड ये सारे रीजंस याद रखो डाइवर्सिटी के, ये सारे रीजंस है डाइवर्सिटी के। तो हिरन फिर से फंस गए जाल में। अब इस बार का जो जाल था वो बहुत ही अच्छा था। इस बार बहुत सारे कम लोग हैं कि जिन्होंने डी ऑप्शन को किया है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये बुलेट पॉइंट्स लिख के लेना, आपा रैपिड रिविजन के बुलेट पॉइंट सारे लिख के लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए, एफिनिटी मैच्योरेशन ऑफ एंटीबॉडीज प्राइमरली ऑकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज एंड विच प्लेस ड्यूरिंग द इम्यून रिस्पॉन्स। यस, एफिनिटी मैच्योरेशन जो हमने डिस्कस किया है, एफिनिटी मैच्योरेशन में हमेशा एंटीबॉडी की एंटीजन के लिए एफिनिटी बढ़ती है। मतलब जब एंटीबॉडी के एंटीजन के लिए एफिनिटी बढ़े, ये एफिनिटी क्यों बढ़ती है, क्योंकि हमें फास्टली एंटीबॉडी से एंटीजन को इलिमिनेट करना है। सो एंटीबॉडी एफिनिटी इंक्रीज। एंड ये कौन से एंटीबॉडी की एफिनिटी बढ़ती है, तो ये है एंटीबॉडी एफिनिटी जो इंक्रीज होती है वो आईजीजी की होती है। आईजीजी एंटीबॉडी की एफिनिटी बढ़ती है। जनरली एफिनिटी मैच्योरेशन जो होता है वो सेकेंडरी रिस्पांस में हम कॉमनली देखते हैं, सेकेंडरी रिस्पांस में, सेकेंडरी रिस्पांस। एंड ये होता है जर्मिनल सेंटर्स में, जो कि फॉलिकल्स में होते हैं जर्मिनल सेंटर्स। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में नहीं होता, यह सेकेंडरी रिस्पॉन्स में होता है, कॉमनली सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जर्मिनल सेंटर्स। हाँ टर्शरी में भी हो सकता है मे बी, क्योंकि टर्शरी इन्फेक्शन हुआ तो भी एफिनिटी इंक्रीज होगी। ओके, बट सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है, थर्ड भी हो सकता है। एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड म्यूकस में नहीं होता है, ये एफिनिटी मैच्योरेशन जो है वो जर्मिनल सेंटर्स में होता है। ओके, तो ये एफिनिटी मैच्योरेशन, दिस इज द ऑकर्स इन सेकेंडरी रिस्पॉन्स इन द जर्मिनल सेंटर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइसोटाइपिक स्विचिंग मतलब एंटीबॉडी का क्लास स्विच करना, हेवी चेन को चेंज करना। एंड आइसोटाइपिक स्विचिंग में चार पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला, टी हेल्पर सेल एंड साइटोकाइंस होने चाहिए टी हेल्पर सेल से, तो टी हेल्पर सेल साइटोकाइंस हो। दूसरा, जो सी डी फोर्टी लिगेंड का इंट्रैक्शन हो।
तीसरा एआईडी एक्टिवेशन इंड्यूस एडेनोसिन डीएमिनेज, ये तीन चीजें अगर हो तो क्लास स्विचिंग होगी। अगर ये तीन चीजों में से कोई भी एक ना हो तो भी क्लास स्विचिंग नहीं होगी। जैसे टी हेल्पर सेल नहीं होगा तो क्लास स्विचिंग नहीं होगी, साइटोकाइंस नहीं होंगे क्लास स्विचिंग नहीं होगी, CD40 लिगैंड नहीं होगा क्लास स्विचिंग नहीं होगा, एआईडी नहीं होगा क्लास स्विचिंग नहीं होगा, तो वहां पे सिर्फ प्राइमरी एंटीबॉडी बनेगी आईजीएम। व्हिच मैकेनिज्म कंट्रीब्यूट्स टू द जनरेशन ऑफ हाई एफिनिटी एंटीबॉडीज ड्यूरिंग एफिनिटी मैच्योरेशन, कौन सा मैकेनिज्म होता है कि जिससे हाई एफिनिटी एंटीबॉडी बनती है? यस, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है, जिसको आता है ना वही बता सकता है, यहां पे तुक्का नहीं चलेगा, अभी यहां पे तुक्का नहीं चलेगा। देखो तो भी बहुत सारे स्टूडेंट तुक्का मार रहे हैं, समझ में आ रहा है तुक्का मार रहे, नहीं पता है तो भी तुक्का मार रहे। तो सोमेटिक हाइपरम्यूटेशन, यस सोमेटिक हाइपरम्यूटेशन, ये फ्रेमशीट म्यूटेशन ना, फ्रेमशीट से तो होगा नहीं। सोमेटिक हाइपरम्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन इन सीडीआर रीजन, ये सही है, तो सीडीआर रीजन में पॉइंट म्यूटेशन होगा। सोमेटिक हाइपरम्यूटेशन साइलेंट तो होता ही नहीं है, एंड सोमेटिक हाइपरम्यूटेशन आइसोटाइपिक स्विचिंग से नहीं होता। एफिनिटी मैच्योरेशन पूछा है, एफिनिटी मैच्योरेशन मतलब एंटीबॉडी के एंटीजन के लिए एफिनिटी बढ़ना, इसे एफिनिटी मैच्योरेशन बोलते हैं। ये पॉइंट म्यूटेशन होते हैं सीडीआर रीजन में, हाइपर वेरिएबल रीजन में पॉइंट म्यूटेशन होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने जवाब दिया है सही, पॉइंट म्यूटेशन इन हाइपर वेरिएबल रीजन, इसे ही सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन बोलते हैं। यस यस, सो दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब ये वाला जो पॉइंट है, अब ये वाला पॉइंट देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको आता ही नहीं आता है। चार टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी आपको याद रखनी है। यस अच्छा हाँ, आज के क्लास में हुआ था, आज ऑनलाइन के क्लास में एफिनिटी मैच्योरेशन हुआ है ना, तो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया डिटेल में क्लास स्विचिंग, एफिनिटी मैच्योरेशन, एलिक एक्सक्लूजन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो सारे क्वेश्चन देखो वही तो है। विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस दैट डिपॉजिट इन टिश्यूज ट्रिगरिंग इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू डैमेज? तो हाइपर सेंसिटिविटी डिफरेंट टाइप्स की है, हाइपर सेंसिटिविटी एंड हाइपर सेंसिटिविटी ये अलग अलग टाइप्स की होती है। अलग अलग टाइप्स की मतलब एक तो होती है टाइप वन, दूसरी होती है टाइप टू, तीसरी होती है टाइप थ्री एंड चौथी होती है टाइप फोर। टाइप वन, टाइप टू, टाइप थ्री एंड टाइप फोर। टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी हम देखते हैं, ये जब एलर्जी होती है तो एलर्जी की वजह से होती है, एलर्जन की वजह से होती है एंड यहाँ पे आईजी एंटीबॉडी काम करती है। ओके, ये टाइप वन हाइपर सेंसिटिविटी है। टाइप टू जो है वो आइदर आईजीजी आईजीएम एंटीबॉडी की वजह से होती है। ओके, और ये जो है वो जब आईजीएम एंटीबॉडी आईजीजी एंटीबॉडी जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन करते तो कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होता है एंड कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन आरबीसी का लाइसिस करते तो आरबीसी लाइसिस, तो लाइसिस ऑफ आरबीसी जो होता है जिसे हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस हीमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं, ये टाइप टू की वजह से होते हैं। टाइप थ्री हाइपर सेंसिटिविटी ये इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिटेड है, तो दिस इज इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिटेड हाइपर सेंसिटिविटी, जहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है यहाँ पे बहुत सारा इन्फ्लामेशन होता है। एंड देखो विच हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, यहाँ पे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है दैट डिपॉजिट इन टिश्यूज ट्रिगर इन इन्फ्लामेशन एंड टिश्यू डैमेज, इससे बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होते एंड बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर टाइप थ्री की वजह से। एंड चौथा, ये चौथा स्पेशल है क्योंकि ये तीनों भी इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी में आते हैं। चौथा जो है वो टी डी टी एच है, डिलेट टाइप है एंड डिलेट टाइप मतलब ये सेल मेडिटेड हाइपर सेंसिटिविटी में आते हैं, जहाँ पे जो
ट्यूबरकल लीजन्स वगैरह बनते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है। तो ये वाला जो आंसर है टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी का है, इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले अलग ही जवाब दिया था, बाद में उनके आंसर पता नहीं कैसे चेंज हो गए, अब टाइप 3 सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिएटेड हाइपरसेंसिटिविटी। तो ये रैपिड रिवीजन के कुछ नोट्स आप ले लेना। यस, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी। ओके, देन नेक्स्ट। हाँ, तो जिनका सही है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी गुड, कीप इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ वैक्सीन इन्वॉल्व यूज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर प्रोटीन्स। तो वैक्सीन्स में अलग अलग टाइप्स होते हैं, लाइव अटेंडुएटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन, सब यूनिट वैक्सीन एज वेल एज कॉन्जुगेट वैक्सीन एज वेल एज। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन एज वेल एज डीएनए वैक्सीन। क्या आंसर है, जल्दी से जल्दी बताइए क्या आंसर है। तो विच टाइप ऑफ वैक्सीन इन्वॉल्व, कौन से टाइप का वैक्सीन है इन्वॉल्व यूज ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोटीन्स और फ्रेगमेंट्स ऑफ पैथोजेंस, कि जहां पे जेनेटिकली इंजीनियर प्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स फ्रेगमेंट्स है प्रेजेंट है। तो एक तो लाइव अटेंडेटेड और वैक्सीन में पूरा ऑर्गेनिज्म होता है, यहाँ पे पूरा बैक्टीरिया होता है, यहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म पूरा होता है, तो ये तो हो नहीं सकता, पहला और दूसरा वैसे भी गया। तीसरा, सब यूनिट वैक्सीन में हम प्रोटीन्स लेते हैं, मतलब कंपोनेंट लेते हैं, तो जो भी कंपोनेंट होता है वो जेनेटिकल इंजीनियर प्रोटीन्स का होता है, प्रोटीन्स हो सकता है ओके, या फ्रैगमेंट हो सकता है पैथोजेंस का। तो ये सही आंसर है, फ्रैगमेंट होता है। कॉन्जुगेट वैक्सीन मतलब कॉन्जुगेट करना, वीक एंटीजन को स्ट्रांग एंटीजन के साथ कॉन्जुगेट करना, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं, इसलिए डी गलत है। तो ये कॉन्जुगेट किया जाता है वीक एंटीजन विद स्ट्रांग एंटीजन एंड देन ऐड किया जाता है। तो ये सी ऑप्शन सब यूनिट वैक्सीन का ऑप्शन है, कि जहां पे सब यूनिट वैक्सीन यूज किए जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए जो सब यूनिट वैक्सीन है ओके, जो कि जनरली सरफेस स्ट्रक्चर्स लिए जाते हैं, प्रोटीन्स लिए जाते हैं और उनसे वो किया जाता है सब यूनिट वैक्सीन, सी करेक्ट है। देन देखिए सीएसआर नेट के लिए 1 अप्रैल पे न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, लाइव बैच है, रिकॉर्डेड जो बैच है, रिकॉर्डेड कोर्स 3 मंथ के लिए अवेलेबल है, फ्लैट 30% ऑफ है, फ्लैट 30% ऑफ है रिकॉर्डेड पे, एज वेल एज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के ऊपर भी फ्लैट 30% ऑफ है। तो आप तीनों भी ले सकते हैं, जून की सीएसआर नेट को टारगेट कर सकते हैं एंड अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सकते हैं, अच्छे रैंक से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एचआईवी इवेड होस्ट इम्यून डिफेंस एंड एस्टेब्लिश परसिस्टेंट इन्फेक्शन। यस, हाँ, एमएस सेट का भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो आप ले सकते हैं, एमएस सेट का भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। सो हाउ डज एचआईवी इवेड होस्ट इम्यून डिफेंस एंड एस्टेब्लिश परसिस्टेंट इन्फेक्शन, कैसे परसिस्टेंट इन्फेक्शन कर सकता है एचआईवी वायरस। तो एचआईवी जो परसिस्टेंट इन्फेक्शन करता है बाय रेप्लिकेटिंग रैपिडली एंड ओवरलिविंग होस्ट इम्यून सिस्टम leading to immunosuppression by integrating its genome into the host cell DNA and remaining dormant for extended periods. First, replicating rapidly nahi, overwhelming host immune system na, by integrating, ha, apne genome ko integrate karta hai kyunki wo retrovirus hai, and remaining dormant extended period, ये डॉर्मेंट स्टेज में रहता है, अराउंड 8 to 10 years, 12 years तक वो डॉर्मेंट रहता है, लिम्फॉइड फॉलिकल्स में रहता है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में रहता है, एंड दैट्स व्हाई एचआईवी पर्सन को आप मतलब उस स्टेज में असिम्प्टोमेटिक देखते हो, 8 to 10 years तक उसमें ज्यादा सिम्टम्स नहीं दिखते, हाँ 12 years के बाद फिर हमें एड्स के सिम्टम्स देखना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि इम्यूनो सप्रेशन होता है बाद में जाके, तब तक वो छुपा रहता है, तो डॉर्मेंट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स तक रहता है बाय सिक्रीटिंग टॉक्सिन, तो सिक्रीट नहीं करता वो वायरस है, एंड इननेट इम्यूनिटी को अफेक्ट नहीं करता, टी हेल्पर सेल्स को अफेक्ट करता है, तो टी हेल्पर सेल्स का काउंट डिक्रीज करता है, क्योंकि एचआईवी वायरस टी हेल्पर सेल्स को ही इन्फेक्ट करते हैं,
इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, जिसके वजह से इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वायरस होस्ट रिसेप्टर इंटरेक्शन इन्वॉल्व इन वायरस एंट्री। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यस प्राइस आप वेबसाइट पे जाके चेक करना, टेस्ट सीरीज के सारे प्राइस वेबसाइट्स पे जाके चेक करना, आपको वहां पे सारे प्राइजेस मिल जाएंगे। टेस्ट कित कौन से टॉपिक के, कब टेस्ट है, क्या है, कितने टेस्ट है, वो सब इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। या आप कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं और कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हैं। ओके सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वायरस होस्ट रिसेप्टर इंटरेक्शन इन्वॉल्व इन वायरस एंट्री। वायरस एंट्री में कौन से इंटरेक्शन होते हैं? तो इन्फ्लुएंजा वायरस हिमाग्लुटिनिन बाइंडिंग टू साइलिक एसिड, ये सही है। एच ए बाइंड होता है साइलिक एसिड्स को, ये साइलिक एसिड को बाइंड होता है। एच आई वी एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन बाइंडिंग टू इंटीग्रीन, इंटीग्रीन को नहीं, ये सीडी फोर प्रोटीन को होना चाहिए, भी गलत है। हर्पस सिंप्लेक्स वायरस टोल लाइक रिसेप्टर को बाइंड नहीं होते, एच एस वी टोल लाइक रिसेप्टर को बाइंड। डेंगू वायरस सीडी फोर को बाइंड नहीं होते, तो इनके अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। तो वायरस एंड रिसेप्टर कौन सा ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस साइलिक एसिड रिसेप्टर्स को बाइंड होते हैं, एक करेक्ट है, वेरी गुड, आप सब लोगों ने सही जवाब दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल्स इन एंटीजन प्रेजेंटेशन। बी सेल्स का रोल क्या है एंटीजन प्रेजेंटेशन में? तो देखो इस तरह के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछेंगे, डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे, कभी एसर्शन रीजन का क्वेश्चन भी मैंने देखा है आया हुआ है इस पैटर्न में, एज वेल एज स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू के क्वेश्चन भी मैंने देखे डीबीटी में कि जो आए हुए, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, बट जनरली स्टेटमेंट बेसिक क्वेश्चंस होंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ बी सेल्स इन एंटीजन प्रेजेंटेशन। तो बी सेल्स कैप्चर एंड प्रेजेंट एंटीजन टू टी हेल्पर सेल्स, कैप्चर करते प्रेजेंट करते एंटीजन टू टी हेल्पर सेल्स वाया मेजर हिस्टोकॉम्पिटेटिव कॉम्प्लेक्स क्लास टू मॉलिक्यूल्स, ये सही है। तो बी सेल्स हमेशा टी हेल्पर सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट करते हैं जब वो एंटीजन को प्रोसेस करते प्रेजेंट करते एमएससी क्लास टू के ऊपर प्रेजेंट करते। बी सेल्स डायरेक्टली किल इन्फेक्टेड सेल्स, बी सेल्स डायरेक्टली किल नहीं कर सकते। बी सेल्स सीक्रेट साइटोकाइंस टी सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए, बी सेल्स नहीं टी सेल्स साइटोकाइन सीक्रेट करता है। बी सेल्स स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी बाय मैक्रोफेज, मैक्रोफेजेस से नहीं होता। तो पहला करेक्ट है, वेरी गुड, आप लोगों ने सही जवाब दिया। अब न्यूबॉर्न बेबी लैक्स इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, विच टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी सेल मेडिएटेड और ह्यूमरल इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल डिफेंस अगेंस्ट न्यू पैथोजन एनकाउंटर शॉर्टली आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद अगर कोई इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है, यस, कौन सी इम्यूनिटी होती है? Which immunity is this? So newborn baby lack immunological memory. Which type of immunity, cell mediated or humoral, is primarily responsible for initial defense against new pathogen encountered shortly after death, after birth? Cell mediated na, humoral immunity mediated by memory based cell na, humoral immunity mediated by maternal antibodies, correct. इसे passive immunity बोलते हैं, natural passive immunity. जो मदर का है वही मेजर रोल प्ले करता है। सेल मेडिटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी ऑफ न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के पास तो इम्यूनिटी है ही नहीं, तो न्यूबॉर्न का इम्यूनिटी नहीं होगा। ह्यूमरल इम्यूनिटी मेडिटेड बाय मैटरनल एंटीबॉडी, एंड ये ह्यूमरल एंड इम्यूनिटी आईजीजी का हो सकता है जो क्रॉस करती है प्लासेंटा, प्लासेंटा क्रॉस करके जाती है। आईजीए का हो सकता है अगर वो मिल्क से जा रही है, तो मिल्क से आईजीए होती है। देन नेक्स्ट, फॉलोइंग सक्सेसफुल वैक्सीनेशन अगेंस्ट टिटेनस मेम्ब्रेन मेमोरी बी सेल्स आर जनरेटेड, दिस सेल्स आर मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ विच एस्पेक्ट्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, किस एस्पेक्ट से डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं? ये वाला क्वेश्चन देखते हैं आपको आता है या नहीं आता है। यस
तो फॉलोइंग सक्सेसफुल वैक्सीनेशन अगेंस्ट टिटेनस मेमोरी बी सेल्स आर जनरेटेड. मेमोरी बी सेल जनरेट हुए. दिस सेल्स आर मोस्ट डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ विच एस्पेक्ट्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स. कौन से एस्पेक्ट से डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं? अब देखो, क्योंकि टिटेनस जो भी टॉक्सॉइड होता है वो मेमोरी बी सेल बनाता है. अब आगे जाकर फ्यूचर में कभी टिटेनस टॉक्सिन हमारे बॉडी में आया तो मेमोरी बी सेल डायरेक्टली एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, तो डायरेक्ट न्यूट्रलाइजेशन तो मेमोरी सेल कर नहीं सकते. मेमोरी सेल्स के पास ये एबिलिटी नहीं कि वो डायरेक्टली एंटीजन को बाइंड हो, वो तो प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होंगे और एंटीबॉडी रिलीज करेंगे. कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन नहीं होगा. ऑप्सोनाइजेशन ऑफ टिटेनस बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का टिटेनस ऑप्सोनाइजेशन नहीं करवाना है, टॉक्सिन को करवाना है. तो ए सी तो गलत है. और रैपिड प्रोडक्शन ऑफ द स्पेसिफिक एंटीबॉडी अपॉन एक्सपोजर, मेमोरी बी सेल्स का काम यही है कि रैपिड प्रोडक्शन करो एंटीबॉडीज का आफ्टर टिटेनस टॉक्सिन एंटर इनटू जो है बॉडी. तो इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है. यस, तो दिस इज कॉल्ड एज द रैपिड प्रोडक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी. एंटीबॉडी को स्पेसिफिकली प्रोड्यूस करना है टिटेनस टॉक्सिन के अगेंस्ट, ताकि वो टिटेनस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज कर सके. तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने के लिए हम टिटेनस टॉक्सॉइड लेते हैं. टिटेनस का टॉक्सॉइड मतलब डीपीटी, मतलब डिप्थेरिया पर्टुसिस टिटेनस, जो टॉक्सॉइड वैक्सीन है उसको हम लेते हैं. तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है. एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब रोल ऑफ साइटोकाइंस इन बोथ सेल मेडिटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी. तो साइटोकाइंस का रोल सेल मेडिटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या है? यस, क्या है रोल? साइटोकाइंस, एक्यूरेटली डिस्क्राइब द रोल ऑफ साइटोकाइंस इन बोथ सेल मेडिटेड एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी. क्या रोल है? तो साइटोकाइंस फ्रॉम साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट डायरेक्टली लाइज इन्फेक्टेड सेल. ना, वो साइटोकाइंस नहीं होते, वो परफोरिन ग्रैनेंजाइम्स होते. साइटोकाइंस फ्रॉम एक्टिवेटेड बी सेल्स ट्रिगर एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय मैक्रोफेजेस. मतलब बी सेल साइटोकाइन रिलीज करेगी तो मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटेशन करेगा. गलत. साइटोकाइंस एक्ट्स एज सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेटिंग वेरियस इम्यून सेल्स. करेक्ट, साइटोकाइंस तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है जो इम्यून सेल्स एक्टिवेशन में काम करता है, वो कोऑर्डिनेट करता है इम्यून रिस्पॉन्स. एंड ओनली बी सेल्स प्रोड्यूस साइटोकाइंस ड्यूरिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स. ओनली तो कभी सही नहीं होता है, ओनली बी सेल्स नहीं, बहुत सारे सेल्स है साइटोकाइंस को रिलीज करते. तो ये सारे सेल्स जो है वो बहुत सारे सेल्स है इम्यून सेल्स के कि जो साइटोकाइंस को रिलीज करके इम्यून रिस्पॉन्स को दिखाते. ओके, तो यहाँ पे आज का हमारा सेशन कंप्लीट हुआ. रैपिड रिवीजन में हमने इम्यूनोलॉजी की कंप्लीट सारे टॉपिक्स की रिवीजन की, इवन क्वेश्चंस को भी किया. ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि जो हमने डिस्कस किए. एंड इस तरह के क्वेश्चन के पैटर्न्स डीबीटी में पूछे जाते हैं. ओके, तो यहाँ पे आज का हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट हुआ. आपको सेशन कैसे लगा, एज वेल एज इस सेशन से मतलब क्या आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है ना, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? यस, एज वेल एज आपको हेल्प हो रही है कि आपके कंसेप्ट बिल्डिंग में, आप मुझे जरूर बताना. एंड डीबीटी बेट के लिए रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, 30% ऑफ है, तो आप ये टेस्ट सीरीज रिकॉर्डेड कोर्स ले सकते हो. ओके, सो यहाँ पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ. थैंक यू सो मच ऑल, थैंक यू ऑल, एंड विश यू हैप्पी लर्निंग. थैंक यू. यस, थैंक यू. तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको कैसा लगा क्लास, एज वेल एज आपको हेल्प हो रही है नहीं हो रही, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, एनालिसिस हो रहा है नहीं हो रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना. थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नए टॉपिक के साथ. थैंक यू.